शुक्रिया वैभव। और इस बीच बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बागपत से बता दें, जहां पर भीषण आग लगी है। मल्टी स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल है जहां पर बड़ी आग लगी है, और ये बताया जा रहा है कि आनंद फानंद में कई जो लोग भर्ती थे उसमें मरीज जो थे उनको बाहर निकालने का सिलसिला शुरू। चार गाड़ियां मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये दिल्ली के बाद बागपत में अब अग्निकांड सामने आ गया। आस्था हॉस्पिटल बताया जा रहा है जहां पर अंदर से 12 मरीज सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें भीषण आग लगी है, और इस काले धुएं के गुब्बार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग है। चार गाड़ियां मौके पर मौजूद है, दमकल की चार गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये गनीमत की बात रही। लेकिन आपको दिखा रहे हैं हम ऊपरी मंजिल पर ये जबरदस्त आग, आग की लपटें आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। काले धुएं के गुब्बार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागपत से। इससे पहले कल दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अग्निकांड की तस्वीरें निकलकर सामने आई, तो वहीं पहले गुजरात के राजकोट से भी वो तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां अग्निकांड हुआ। और अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आस्था हॉस्पिटल, ये बागपत का, उत्तर प्रदेश के बागपत का आस्था हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें 12 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है इस अग्निकांड के बाद। लेकिन चार गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, और ये बताया जा रहा है कि हादसे में फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे 12 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है, और इसी कड़ी में अभी चार गाड़ियां मौके पर बताया जा रहा है कि मौजूद हैं। लेकिन जो ऊपर का माला है उसको आप देख सकते हैं, पूरे के पूरे माले को अपनी चपेट में इस अग्नि ने ले लिया है, आग ने ले लिया है। 12 मरीज हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, और गनीमत यह है कि इस पूरे अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन दमकल की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, वहां एम्बुलेंस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अब बिग बॉल के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये जो ऊपर का माला है इस हॉस्पिटल का, जो ऊपर का माला है वहां पर ये भीषण आग लगी है। ये जो काला धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूरे के पूरे ऊपर के माले को अपनी चपेट में ले लिया। एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है क्योंकि 12 मरीज जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, और दमकल की चार गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इस आग को ये आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची जो लपटें उठ रही हैं आग की, ये बताने के लिए काफी है कि कैसे इस पूरे के पूरे माले को अपनी चपेट में आग ने ले लिया है। चार जो गाड़ियां हैं दमकल की वो मौके पर मौजूद है, और ये बताया जा रहा है कि लगातार जो आग बुझाने का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 12 मरीज अभी तक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। गनीमत ये है कि अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। बिल्कुल गैत्री, बागपत की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात राजकोट अग्निकांड की करेंगे, जहां से एक और वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो के जरिए ये समझा जा सकता है कि कैसे आखिर इस आग ने विशालकाय रूप लिया, और एक छोटी सी चिंगारी जिसने पूरे गेम जोन को जलाकर राख कर दिया है। ये वो तस्वीर और ये वो नया वीडियो है जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। राजकोट अग्निकांड का ये नया वीडियो जिसमें आप देखिए वेल्डिंग के समय चिंगारी निकली और उस चिंगारी ने इस विशालकाय आग का रूप लिया, और देखते ही देखते पूरा गेम जोन आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन रबर और प्लास्टिक की वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली, और इस आग ने जो कहर बरपाया है वो पूरे देश के सामने है। कैसे इस अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया वो पूरे देश के सामने है, और एक कैसे मामूली सी चूक ने कई लोगों की जिंदगियों को निगल लिया